विवाद की धारा बहाते हुए विशाल गजराज के ऊपर बैठे सम्राट मुस्कुरा रहे थे। विजयश्री मानो बस अब उनका वरण करने ही वाली थी। उनकी सेना ने आज अदम्य शौर्य और अद्भुत रणकौशल का परिचय दिया था। मुगलों की सेना के पांव उखड़ चुके थे, कोई चीत्कार कर रहा था, कोई उल्टे पांव भाग रहा था, और सम्राट की सेना अविचलित समुद्र की भांति बढ़ ही चली जा रही थी। और अचानक एक तीर न जाने कहां से उड़ता हुआ आया और सम्राट की बाई आंख को चीरता हुआ अंदर तक घुस गया। सम्राट की आंखों के ऊपर अंधकार सा छा गया और पीड़ा से उनका हर एक अंग कांप उठा। सम्राट हाथी से नीचे गिर पड़े। वो कोई मामूली तीर नहीं था, क्योंकि उस एक तीर ने भारत को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और मैं प्रस्तुत हूं अनटोल्ड हिस्ट्री के एक नए अंक के साथ। अकबर डिफीटेड हेमू इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ये 9 शब्दों की पंक्ति आप सबने इतिहास की कक्षा में जरूर पढ़ी होगी। सिर्फ 9 शब्दों में वामपंथी इतिहासकारों ने एक ऐसे महान व्यक्ति की पूरी जीवन गाथा सिमटा दी, जिसके जीवन पर अगर एक पुस्तक लिखी जाए तो वो महाकाव्य का रूप धारण कर सकती है। ये कहानी है सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की, जिनका शौर्य अपरिमित था, रणकौशल असाधारण और राजनैतिक परिपक्वता अद्भुत। बात 1526 ईस्वी की है। दिल्ली के तख्त से उत्तर भारत की कमान लोदी वंश के हाथ में थी। सब कुछ कमोबेश अपनी गति पर ही चल रहा था कि बाबर नाम के एक मध्य एशियाई कबीलाई लड़ाके ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई को आगे चल के पानीपत की पहली लड़ाई के रूप में जाना जाएगा। लड़ाई में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और भारत में हुई मुगल वंश की स्थापना। बाबर हालांकि ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाया और उसकी मृत्यु सन 1531 में हो गई। उसके बाद सत्ता आई हुमायूं के हाथ में, जो स्वभाव से डरपोक और अपरिपक्व था। इसका फायदा उठाया शेर शाह सूरी ने, जो इब्राहिम लोदी का सिपह सलार था और इन दिनों बिहार में था। शेर शाह ने फौज इकट्ठी करके हुमायूं पर धावा बोल दिया। चौसा और कन्नौज में लड़ाइयाँ हुई और साथ हुई हुमायूं की शर्मनाक हार। शेर शाह से जान बचा के हुमायूं ईरान की ओर भाग गया और 1540 ईस्वी में शेर शाह ने दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर खुद को शहनशाह घोषित कर दिया। हालांकि शेर शाह मुगलों से थोड़ा बेहतर जरूर था, लेकिन राज्य के हिंदुओं की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है, कहानी हेमचंद्र की। दिल्ली से कुछ 50 मील दूर रेवाड़ी में हेमचंद्र नाम का एक युवक तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। पहले शेर शाह की सेना में सब्जियां और अनाज पहुंचाने वाले इस व्यक्ति ने बाद में बारूद के लिए मसाले पहुंचाने शुरू किए और इनकी दोस्ती हुई शेर शाह के बेटे इस्माइल शाह से। 1545 में शेर शाह की मृत्यु के बाद इस्माइल बना शहनशाह और हेमचंद्र बने शहंगे बाजार, यानी कि बाजार के अधीक्षक। और ये तो बस शुरुआत थी। हेमचंद्र की सूझबूझ और व्यापार और वाणिज्य पर उनकी पकड़ को देख इस्माइल ने पहले उन्हें दरोगाए चौकी बनाया और बाद में पंजाब का नियंत्रक। फिर 1553 में हुई इस्माइल की मौत और शुरू हुई दिल्ली में तख्त के लिए उठापटक। इस्माइल के 12 वर्ष के पुत्र फिरूज की हत्या इस्माइल के भतीजे आदिल शाह ने कर दी। आदिल शाह शहनशाह तो बन गया, लेकिन शासन करना उसे आता नहीं था। सूरी वंश में फूट होते हुए देर नहीं लगी और वंश के 4 टुकड़े हो गए और आदिल शाह के हाथ रह गया बस बिहार से लेकर आगरा तक का राज्य। तब हेमचंद्र आदिल शाह के दरबार में प्रधानमंत्री थे। इसके साथ आदिल शाह की सेना की बागडोर भी उन्हीं के हाथ में थी। हेमचंद्र ने सूरी वंश के कई विद्रोहियों को हराया, जिसमें आदिल शाह का जीजा सिकंदर सूरी भी था। लगातार 22 युद्धों में मिले विजय से सेना का विश्वास हेमचंद्र में बहुत बढ़ गया था। लेकिन दिल्ली के तख्त पर अभी तक इब्राहिम सूरी बैठा था। इब्राहिम सूरी को हराने के बाद सिकंदर सूरी ने दिल्ली का तख्त हथिया लिया, लेकिन इस पारिवारिक कलह के बीच होने वाली थी एक पुराने दुश्मन की वापसी। ईरानियों से मिली मदद से ताकतवर हुए हुमायूं ने भारत पर आक्रमण कर दिया और पहले से ही टूटे हुए सूरी वंश को मिट्टी में मिला दिया। एक बार फिर से दिल्ली के तख्त पर मुगल सल्तनत का शासन था। लेकिन अपने पिता बाबर की तरह ही हुमायूं का भी शासन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और जनवरी
1556 में उसकी मौत हो गई। जब हुमायूं की मौत हुई तब हेमचंद्र बंगाल में थे और ये समय किसी और की नहीं बल्कि अपनी स्वयं की लड़ाई लड़ने का था। हेमचंद्र ने शुरू किया मुगल वंश के खिलाफ अपना अभियान। बंगाल से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश और फिर आगरा और अंततः दिल्ली। जैसे नमूची हंता इंद्र असुर समूह को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही हेमचंद्र ने मुगल सेना को तितर बितर कर दिया और फिर शुरू हुई आखिरी लड़ाई। सामने था बैरम खान, मुगल सेना का प्रसिद्ध सेनापति, और दूसरी ओर स्वयं हेमचंद्र। मुगलों की सेना भारी पड़ रही थी और जैसे ही उन्हें लगा कि युद्ध वही जीतेंगे, मुगलों ने अपने स्वभाव के अनुसार लूटपाट मचानी शुरू कर दी और इसी की ताक में बैठे हेमचंद्र को मौका मिल गया। लूटपाट में मगन मुगलों पर हेमचंद्र की एक सेना ने जबरदस्त आक्रमण कर दिया और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, मुगलों की हुई लज्जाजनक पराजय और भारतवर्ष को मिला एक नया सम्राट। सनातन रीति के अनुसार हेमचंद्र का राज्याभिषेक हुआ और साथ मिला उन्हें विक्रमादित्य का नाम। 350 साल के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली में एक हिंदू शासक आया था। उनकी सेना में अफगान और हिंदू दोनों ही सैनिक थे और दोनों अपने राजा पर प्राण न्यौछावर करने को तत्पर रहते थे। हेमचंद्र को वाणिज्य और व्यापार की बहुत अच्छी समझ थी और इसका साफ साफ असर दिखा उनके राज में। मुनाफाखोरी पर रोकथाम से लेकर बाजार में फैली सारी कुरीतियों पर लगाम लगा दी गई। हेमचंद्र ने नए सिक्के बाजार में चलाए जिससे उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली। लेकिन भाग्य एक अलग ही गाथा लिख रहा था। मुगल वंश का किशोर उत्तराधिकारी अकबर दिल्ली के तख्त पर बैठने की बाट जोह रहा था और बैरम खान उसका सेनापति और साथ ही उसका अभिभावक मौके की प्रतीक्षा में था। नवंबर 1556 में शुरू हुई पानीपत की दूसरी लड़ाई। एक ओर थी हेमचंद्र की विशाल सेना और उसका संचालन करते हुए स्वयं हेमचंद्र और दूसरी ओर थी मुगलों की सेना। बैरम खान, जिसे पहले हेमचंद्र के हाथों करारी हार मिल चुकी थी, वो अकबर के साथ युद्ध क्षेत्र से 8 मील दूर खड़ा था और वही हुआ जिसकी आशंका थी, हेमचंद्र की सेना ने मुगलों की सेना को रौंद डाला। मद की धारा बहाते हुए विशाल गजराज के ऊपर बैठे सम्राट मुस्कुरा रहे थे। विजयश्री मानो बस अब उनका वरण करने ही वाली थी। उनकी सेना ने आज अदम्य शौर्य और अद्भुत रणकौशल का परिचय दिया था। मुगलों की सेना के हाथ पांव उखड़ चुके थे, कोई चीत्कार कर रहा था, कोई उल्टे पांव भाग रहा था और सम्राट की सेना अविचलित समुद्र की भांति बढ़ी जा रही थी। अचानक एक तीर न जाने कहां से उड़ता हुआ आया और सम्राट की बाई आंख को चीरता हुआ अंदर तक घुस गया। सम्राट की आंखों के ऊपर मानो अंधकार सा छा गया और पीड़ा से उनका हर एक अंग कांप उठा। सम्राट हाथी से नीचे गिर पड़े। वो कोई मामूली तीर नहीं था, क्योंकि उस एक तीर ने भारत को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। हेमचंद्र को बंदी बनाया गया और फिर की गई उनकी हत्या। अकबर बना नया बादशाह और देश में पुनर्स्थापना हुई मुगल वंश की। सोचिए कि अगर वो तीर निशाने से चूक जाता तो भारत का इतिहास कैसा होता। हुमायूं के बाद मुगल वंश का नामो निशान मिट जाता। एक व्यापारी बुद्धि वाले योद्धा राजा का देश ना सिर्फ शक्तिशाली होता बल्कि समृद्ध भी होता। अयोध्या में भव्य राम मंदिर खड़ा होता, औरंगजेब नहीं आता और उसके शासन में टूटे हजारों मंदिर नहीं टूटते। ना होता जबरन धर्मांतरण और ना बनती मजहब के आधार पर दीवारें। दक्षिण भारत के राजाओं के साथ हेमचंद्र का उत्तर भारत विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक होता, जहां शायद ब्रिटिश घुसने की भी नहीं सोचते। शायद ये देश कभी परतंत्र नहीं होता और जैसे पहले भारत विश्व का सांस्कृतिक, बौद्धिक और वाणिज्यिक केंद्र बिंदु था, वैसा ही आज भी होता। लेकिन एक तीर, सिर्फ एक तीर ने सब बदल दिया। ये थी कहानी सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की, जिसकी गौरव गाथा सदियों तक सुनी और सुनाई जाएगी। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आता रहूंगा आपके बीच अनटोल्ड हिस्ट्री के आगे के अंकों के साथ।